क्या दिन आ गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी के, कभी अपने चैम्बर में बैठा कर, अब ये मत पूछिए कि कहां बैठा कर किसी भी महिला वकील को जज बनवा देती थी, और आज वह दिन भी आ गया जहां जा रहे हैं वहीं मुंह की खानी पड़ रही है। जो भी मामला हाथ में लेते हैं उसी में हार जाते हैं। कांग्रेस के जमाने में इनका न्यायपालिका पर राज चलता था, और आज कोड़ी के तीन हो गए हैं। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। मामले पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कैसे कैसे गिड़गिड़ाए हैं, बाप रे बाप। सिंघवी ने कहा, पूरे मामले में मेरी भूमिका साफ नहीं। ईडी कहती है कि मैंने सहयोग नहीं किया। असहयोग शब्द का एजेंसी लगातार दुरुपयोग करती है। किसी को अपने खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे बुरी तरह रोते हुए सिंघवी ने कहा, अगर मैं यह कहूं कि मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर है, तो क्या यह गिरफ्तारी का आधार बन जाएगा? उन्होंने आगे कहा, चुनाव से ठीक पहले क्या मेरी गिरफ्तारी जरूरी थी? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि मुझे सवाल दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का प्रस्ताव दिया। अब गिरफ्तार कर कहते हैं कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता था। अगर ऐसा है तो क्या मैं इससे पहले भी ऐसा नहीं कर सकता था? असल में गिरफ्तारी की जरूरत थी ही नहीं। कांग्रेसी वकील सिंघवी ने कहा, यह गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है, यह कार्यवाही मौलिक ढांचे के विरुद्ध है। एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई, प्रचार से रोक दिया गया। एक सीएम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सवाल उस गिरफ्तारी के समय का है। वहीं हाईकोर्ट के जज ने कहा, मुझे समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है। सुबह मैंने कहा था कि मुख्य मामले गिरफ्तारी को चुनौती पर नोटिस जारी कर विस्तार से सुनना चाहिए। तब कहा गया कि जो रिमांड कल खत्म हो रही है उस मसले पर आपको जिरह करनी है। इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि दोनों बातों का एक ही परिणाम होगा कि मुझे आज ही अंतरिम जमानत पर रिहा कीजिए। गिरफ्तारी और रिमांड दोनों गलत है। फिर जज ने कहा, मुझे दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। कोर्ट में जिरह करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पीएमएलए सेक्शन 50 का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार फैसला जांच के दौरान बिना उचित कारण गिरफ्तारी से मना करता है। मैं समझना चाहता हूं कि यह सिद्धांत एक मौजूदा सीएम के लिए 10,000 गुना ज्यादा लागू होता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिना बयान दर्ज किए गिरफ्तारी हो गई। एक मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है। इस तरह लोकतंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा, गिरफ्तारी की शक्ति होने का मतलब गिरफ्तार कर लेना ही नहीं हो सकता। यह तभी होनी चाहिए जब इसकी वाकई जरूरत हो। क्या पीएमएलए सेक्शन 19 गिरफ्तारी की जरूरतों का पालन हुआ या उसके बिना गिरफ्तारी की गई? मेरे खिलाफ किसी का बयान नहीं था। एक आरोपी ने ईडी के मुताबिक बातें कही, उसकी जमानत का विरोध नहीं किया गया। सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी ने मनचाहे बयान लिए। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।